हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। सॉरी यार, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता है 1 घंटे का लेक्चर अच्छे से रिकॉर्ड किया था और बहुत डीपली बात करी थी, लेकिन पता हुआ क्या, मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया, लास्ट में जब मैंने पूरा उसको देखा लेक्चर, तो देख रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आगे जा रही है, पीछे जा रही है, लेकिन वीडियो पोज हो रखा है, वो वहीं पर स्टक है, चल ही नहीं रहा है। मतलब मेरी 1.5 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई। तो मैं इस लेक्चर को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड तो करना ही था, और 12 बज रहा रात का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो वो जो मेरा, मतलब कह सकते हैं, अंदर से जो मोटिवेशन था अंदर से, वो ना बिल्कुल डाउन हो गया, बट स्टिल आई वुड रिकॉर्ड इट अगेन विथ सेम पैसन एंड विथ सेम काइंड ऑफ मोटिवेशन, राइट, जो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं चीज़ें स्टार्ट से। तो आप देखोगे कि मैंने लास्ट तक पढ़ा दिया है पूरा। तो जैसे मैं स्क्रीन दिखाऊं तो आप देख रहे हो कि मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, स्ट्रिप, ज्वाइन, अपर, सारा, मतलब पूरा अच्छे से लेक्चर रिकॉर्ड किया था। बट सॉरी यार, पता नहीं क्यों ये कभी कभी सॉफ्टवेयर भी ना गड़बड़ कर जाता है। तो हम पता सारी चीज़ें पढ़ेंगे शुरुआत से। तो हम क्या करते हैं कि अब ना मैं ये पूरा लेक्चर एक दिन में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बट फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि जो मेन चीज़ हैं, स्ट्रिंग अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ मेथड जो हैं शुरुआत के बता दूँ, ठीक है। और कवर तो मैं अच्छे से ही करूँगा, तो डोंट वरी, ये मत सोचना कि मैं अब जल्दी जल्दी दौड़ाऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। और ये स्ट्रिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे भी आपको पता भी होगा कि स्ट्रिंग जो है वो जैसे NLP होता है, ठीक है, मशीन लर्निंग और चैट सिस्टम और इन सब में, जैसे इवन ये जो AI का जो ये चैट बॉट आया ना, ChatGPT, इसमें भी इन सब चीज़ों का बहुत यूज हुआ है, है ना। तो हम एक सिंपल सा क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग का मैं नाम नेम लग लेता हूँ, मतलब इसके वेरिएबल का नाम, इसमें मैं लिखता हूँ अंकित कुमार, ठीक है, KUMAR। तो मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग को पता है बनाने का बहुत तरीके होते हैं, मतलब बहुत नहीं, बेसिकली दो ही होते हैं। एक तो डबल कोट के अंदर लिख दो, स्ट्रिंग बन जाएगी, और एक होता है सिंगल कोट के अंदर लिख दो, तो भी वो स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। लेकिन लोगों को अगर ये लगता है कि स्ट्रिंग का मतलब होता है कि सिर्फ टेक्स्ट उसके अंदर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। ले सपोज मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक, ये डाल दिया। फिर इसके बाद नंबर डालते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 0, ठीक, ये भी डाल दिया। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये ओके। देखो सारे स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए मैंने, और इसको नहीं डाल सकते क्योंकि स्किप करने के होता है ना, तो इसको छोड़ दो अभी के लिए, उसका भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। लेकिन और सारी चीज़ें जो है वो मैंने डाल दी इसके अंदर। अगर इसको मैं प्रिंट करूं, ठीक है, नेम को, तो आप देखना ये स्ट्रिंग के रूप में ही इसको लेगा, मतलब चाहे भले ही इसके अंदर हमने बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर यूज किए हैं, ठीक है, नंबर भी यूज किए हैं, लेकिन फिर भी ये आपको देगा क्या, पूरा स्ट्रिंग देगा, ठीक है। ये देखो पूरा प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये वाकई में स्ट्रिंग है या नहीं, तो आप यहाँ पे टाइप वाले फंक्शन के थ्रू इसका टाइप चेक कर सकते हो, ठीक है, तब तो भरोसा होगा ना आपको। चलो, बहुत मज़ेदार यार लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये सब रिकॉर्डिंग स्टॉप होने की वजह से सब गड़बड़ हो गया, मेरी पूरी मतलब मेहनत बर्बाद हो गई, ठीक। तो देखा आपने कि ये यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप बता रहा, मतलब कुछ भी कैरेक्टर आप इसमें डालो, अगर कोट्स के बीच में है तो वो एक स्ट्रिंग ही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और मज़ेदार चीज़ों के बारे में। ले सपोज हमको कुछ ऐसा लिखना है कि एक स्ट्रिंग के अंदर मुझे अंदर भी कोट डालने, तो कैसे करेंगे। ले सपोज मैं लिखना चाहता हूँ हेलो माई
नेम इज अंकित, और यहाँ पे बीच में क्या मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कोट डाल दो इस जगह पे ये, और उसके अंदर लिख दो वर्क, वर्क इज वर्शिप, ठीक है। लेकिन ये तो एरर दे रहा है, देखो रेड रेड हो रखा है, क्योंकि आप एक कोट के अंदर जैसे ही आप दूसरा कोट डालते हो तो वो इतने को स्ट्रिंग मानता है, ठीक है, इतने को जहाँ से वो बंद हो रही, इतने ही बाद वाले को वो वेरिएबल मान ले रहा है, और फिर जहाँ से उसको चालू हो रही उतने को फिर से वो स्ट्रिंग मान के चल रहा है, तो गड़बड़ी यहाँ हो रही है। तो इसको दूर करने का पता सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप एक कोट के अंदर दूसरी कोट डालना है अगर आपको, तो या तो आप ये स्केप वाला करेक्टर यूज कर लो, ये स्केप करने के काम आता है, जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे यूज कर लो ऐसे, ठीक है, तो ये पूरे को स्ट्रिंग बना देगा। अब अगर इसको आप प्रिंट करोगे, ठीक है, देखना आप, अगर मैं इसको अब प्रिंट करूँ तो आप देखना, वन सेकेंड यार, मैं इसमें क्यों इंटर हो गया, ओके, अगर अब मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, तो देख रहे हो ये पूरा इसने प्रिंट कर दिया, हेलो माय नेम इज, एंड वो जो कोट है उसको भी प्रिंट कर दिया अच्छे से, क्योंकि मैंने इस जो ये होता है फॉरवर्ड स्लैश, ये स्किप करने के लिए होता है कैरेक्टर को, या तो मैं ये कर दूं, या फिर पता है एक तरीका और है, या फिर मैं ये कोट डबल से हटा के सिंगल कर दूं, ठीक है, मैंने मतलब पैटर्न नहीं बदल दिया, और फिर से अगर रन करूं तो फिर से ये अब चलेगा, क्योंकि हमने इसके लगने का तरीका ही चेंज कर दिया, देखो है चल गया, प्रिंट कर दिया ना उसने। तो ये फ़ायदा है इसका यूज करने का, स्ट्रिंग में डबल और सिंगल कोड यूज करने का, इसीलिए इसमें दो तरीके दिए हुए हैं, आप जो भी आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो, इट टोटली अप टू यू, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वट एवर लाइक आई वॉज टॉकिंग, इट इज़ जस्ट बेसिक थिंग। जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो नाम लेता हूँ, ठीक है, दो वेरिएबल बनाता हूँ, नेम वन जिसमें मैं नाम डालता हूँ अंकित, अंकित इज़ माई फेवरेट नाम, नेम आई मीन, नेम टू, नेम टू में डालता हूँ एक अपने दोस्त का नाम, ठीक है, पंकज, PNKAJ, ठीक है, ये दो नाम डाल दिए। मैं यहाँ पे आपको बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर मुझे देखो यहाँ पे है क्या कि अंकित और पंकज जो हैं अच्छे दोस्त हैं, ये गले मिलना चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, लेकिन हम इनको गले मिलाएं कैसे, मतलब जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो कि नेम वन मतलब अंकित को प्लस नेम टू पंकज को ऐसे जोड़ सकते हो प्लस करके, है ना। और अब अगर हम इसको चलाएं कि पाइथन, तो देख रहे हो इसने प्रिंट कर दिया अंकित पंकज, लेकिन यार बिल्कुल चपका दिया है, मतलब छाती से छाती चपक गई बिल्कुल। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यार थोड़ा तो स्पेस दो बीच में, मिलने को बोला है, तुम तो यार सीने से लगा दे रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें प्लस लगा देते हैं, ठीक है, बीच में स्पेस दे देता है, और फिर से इसी फाइल को रन करते हैं, ओके, लेट्स सी व्हाट वुड हैपन। अब देखा अंकित और पंकज के बीच में स्पेस भी डाल दी इसने, तो ये जो मैं कर रहा था ये है क्या, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेट, ठीक है, कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट मतलब होता है कि जब हम दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो कॉनकैटिनेशन बोलते हैं उसको, एक ये स्ट्रिंग थी एक ये स्ट्रिंग थी, ठीक है। स्ट्रिंग होता क्या, बेसिकली वही टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मेट का जो कंटेंट होता है, जो भी वैल्यू होती है वो आपकी स्ट्रिंग होती है, ठीक है, अगर बीच दो कोट के बीच में लिखी हुई है कोई भी वैल्यू तो वो स्ट्रिंग ही है। और ये जो मेथड है, जो मतलब जो 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 भी मैंने यहाँ पे किया, ये क्या है, ये कॉन्कैटनेशन बोलते हैं, लेकिन कॉन्कैटनेशन के कुछ रूल होते हैं, लाइक यू कॉन्ट डू कॉन्कैटनेशन विथ एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप, राइट, देर आर सर्टेन रूल विच यू हैव टू फॉलो इफ यू वॉन्ट टू डू कॉन्कैटनेशन। सो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू टेल ओवर हियर, आई मीन आई विल टीच यू। तो अगर ले सपोज मैं यहाँ पे पंकज की जगह पे, अगर यहाँ पे मैं नंबर डाल दूँ, ये मैंने यहाँ पे इंट डाल दिया, ठीक है,
वन सेकेंड, इंट, ठीक है, ऊपर क्या है, ये क्या था, ये स्ट्रिंग थी, ठीक है, STRING, ठीक, स्ट्रिंग और इंट। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ फाइल को, तो आप देखना एक मुझे मज़ेदार एरर मिलेगा। ये क्या लिखा है, कैन ओनली कॉन्कैटनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग, ठीक, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ही कॉन्कैटनेट कर सकते हो, स्ट्रिंग और इंट को कॉन्कैटनेट नहीं कर सकते हो। इवन इफ यू पुट ओवर हियर फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, जो डेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है, अगर मैं डॉट करके यहाँ पे वो भी लिख दूँ तो देखना एरर बदल जाएगा। अब एरर में पता क्या आएगा, चलो दिखाई देता हूँ, जैसे मैं रन करता हूँ एरर देखो क्या आया, कैन ओनली कॉन्कैटनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो बस एरर सेम है, बस ये बता रहा कि पहले आप इंट से कर रहे थे, आप फ्लोट से कर रहे हो, तो दोनों नहीं हो सकता, समझे। तो कॉन्कैटनेशन तभी होता है जब वो दोनों मतलब स्ट्रिंग हो, फ्लोट होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसी नंबर को आप अगर इसमें कोट में लिख दो तो अब ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोट के अंदर है तो वो स्ट्रिंग ही है, तो देखा इसने कॉन्कैटनेट कर दिया, अंकित स्पेस 4.44, इवन इफ़ यू राइट ओवर हियर फोर ओनली देन आल्सो इट वुड वर्क, जस्ट सी राइट, इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन। एंड ले सपोज ओवर हियर आई वांट टू पुट सम स्पेशल सिंबल लाइक दिस 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 दिस, ओके, चूँकि अभी कोड के अंदर है तो वो क्या है, वो स्ट्रिंग ही है, तो अभी भी अगर मैं रन करूँगा तब भी ये चलेगा, बट वन सेकेंड, डिड आई डू एनी मिस्टेक ओवर हियर, यस, पाइथन का मैंने नाम गलत लिखा था, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सब सही है, टर्मिनल में गलत लिखा था, उस वजह से देखा प्रिंट कर दिया, कॉन्कैटनेट कर दिया, समझे। तो ये इस तरीके से चलता है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल मतलब स्ट्रिंग का मेथड, मेथड नहीं कहूँगा, मतलब रूल एंड रेगुलेशन, और स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड होते हैं, तो हम उनके बारे में जैसा कि मैंने दिखाया आपको, अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ सबसे लास्ट में जाऊँ तो आप देखोगे कि मैंने सारा कुछ बता रखा था, ये है ना, जॉइन अपर ये सारे, तो हम इसी में काम करेंगे और इसी से इसी में मतलब करने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ कि इससे यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ, ये मैंने पता क्यों किया था, क्योंकि मैं स्ट्रिप मेथड पढ़ा रहा था, तो हम यहाँ से चलते हैं अपर से, ओके, अपर को देखते हैं, हम क्या करेंगे कि पहले एक नेम नाम के वेरिएबल में ये अपना स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है, तो स्ट्रिंग के जो मेथड होते हैं अगर उसको आपको देखना है तो पता है वेरिएबल का नाम लिखो जो भी, उसके आगे डॉट लगा दो, वो आपको सब दिखा देगा कि क्या क्या आप इसमें कर सकते हो, देखो ये सारा कुछ आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग, राइट, एंड विथ काउंट ये सारी चीज़ें। तो हम एक एक देखते हैं, पहले हम देखते हैं डॉट अपर जो मेथड है वो क्या करता है। तो हमने क्या किया, एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हम बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं, ठीक, उसको स्टोर करना चाह रहे हैं और फिर बाद में उसको प्रिंट कर लेंगे, नहीं तो हमको बार बार पता है ये नेम डॉट अपर प्रिंट के अंदर डालना पड़ेगा, तो वो मैं करना नहीं चाह रहा, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल बना के प्रिंट को अलग बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसको टर्मिनल को कर देते हैं क्लियर और फिर इसको रन करते हैं। अगर मैं नेम में डॉट अपर मेथड चलाता हूँ, ठीक है, और फिर अगर मैं पाइथन को रन करता हूँ तो क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा। देखा इसने पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, माय नेम इज अंकित आई एम फ्रॉम कानपुर राइट नाउ, प्रिंट कर दिया ना। अब अगर मैं इस वाले मेथड को ऑन करता हूँ, ये लोअर वाला, ठीक है, और इसको अगर रन करूँ फिर से पाइथन को, तो देखना ये हर एक को लोअर में कर देगा, लेकिन पता है ये जो स्ट्रिंग है वो पहले से लोअर में है तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग को थोड़ा ना चेंज करते हैं, इसको अपर केस में रखते हैं फिर लोअर चला के देखते हैं। तो हम लिखते हैं हेलो माई नेम इज अंकित, अंकित आई एम फ्रॉम कानपुर
यूपी, ठीक है। अभी हमने पूरा अपर केस में लिखा हुआ है ना, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो देखना ये पूरा इसने लोअर केस में दे दिया, जबकि मैंने लिखा था सारा अपर केस में। तो ये काम करता है ये लोअर फंक्शन, और अपर वाला देख ही चुके हैं। अब हम चलते हैं टाइटल वाले पे, देखते हैं टाइटल वाला फंक्शन क्या करता है। तो देखना, अगर मैं टाइटल फंक्शन को रन करूँ, देन यू विल सी ए मैजिक, एंड मैजिक इज दिस, कि इसने पता क्या किया कि सारे कैरेक्टर में सिर्फ पहले वर्ड को, पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर को अपर केस में और सबको लोअर केस में किया हुआ है, मतलब टाइटल जैसा बना दिया, समझ गए। तो टाइटल कैसे होते हैं, आपने टाइटल देखे हैं, नहीं देखे कभी बुक खोल के देखना, जो टाइटल होते हैं उसमें ऐसे ही होता है मेथड, इसीलिए इसका नाम भी टाइटल है, डॉट टाइटल है ना, क्योंकि टाइटल ऐसे ही लिखे जाते हैं, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैप्स में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। अब हम बात करते हैं ज्वाइन मेथड की, ये ज्वाइन मेथड क्या करता है, ज्वाइन बेसिकली ज्वाइन ही करता है। चलो देखते हैं, हम यहाँ पे ज्वाइन करवा रहे हैं हाइपन से, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, पता है जहाँ पे भी। देखो ज्वाइन मेथड चलता कैसे है, जैसे ही आपने ये चीज़ लिखी ना, ये जो कोट के अंदर हाइपन, ये क्या, ये भी तो स्ट्रिंग ही है ना, एक तरीके की स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में जैसे ही आप डॉट 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 लगाओगे, वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे मेथड आ गया, तो ज्वाइन भी है, ज्वाइन को लिखा ऐसे कर दिया, लेकिन किसके साथ ज्वाइन करना ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि नेम के साथ ज्वाइन करें, तो यहाँ पे डाल दो नेम। अब मैं अगर इसको रन करूँ, देखा ज्वाइन कर दिया, उसने ज्वाइन किससे किया है, हाइपन से, क्योंकि मैंने हाइपन ही उसको दिया था कि जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ वहाँ पे हाइपन से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया, सिंपल। इवन पता इस मेथड में अगर यहाँ पे आप एक और मेथड लगाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे मैं डॉट लोअर लगाना चाहूँ तो वो भी काम करेगा, पता मेथड में उसके मेथड के पीछे भी मेथड लगा सकते हो, ये भी होता है। वन सेकेंड, हुआ क्या, अच्छा मैंने पूरा लिखा नहीं, अबे यार मैं ये गड़बड़ी क्यों कर जाता हूँ, पाइथन एलिसी, ये देखो ये सारा लोअर केस में दे दिया, पहले इसने अपर केस में दिया था, क्योंकि मैंने एक मेथड के बाद दूसरा मेथड भी ऐसे लगा दिया। तो ऐसा चेन चेन भी बना सकते हो, मेथड के नीचे मेथड, मेथड के नीचे मेथड, ऐसे। अब इसके बाद अगर मैं डॉट टाइटल भी कर दूँ तो वो भी काम करेगा, देखना। अब अगर इसको रन करता हूँ, वन सेकेंड, काम क्यों नहीं किया, चलना तो चाहिए था यार, चला क्यों नहीं, चलो दोबारा देखते हैं। आई डोंट नो काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे, वैसे काम तो करना चाहिए था अगर वो वाला कर रहा था तो, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ज्वाइन मेथड। अब हम देखते हैं एक और मेथड होता है स्ट्रिंग में, रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, देखो रिप्लेस बेसिकली क्या करता है कि रिप्लेस ही कर देता है। चलो देख लेते हैं कैसे करता है, अगर मैं पाइथन की फाइल रन करूं तो देखा इसने अभी तो नहीं किया, क्योंकि हमने दोनों कैरेक्टर अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले एक जैसे भी बनाते हैं, ओके। तो बनाने के लिए हम बनाने के लिए पता क्या करेंगे कि ये स्ट्रिंग को यहाँ से हटा के इसमें ना सिंपल स्ट्रिंग लिखते हैं, माई नेम इज अंकित, आई एम फ्रॉम कानपुर, ठीक, मैंने ये लिख दिया। अब अगर मैं ये मेथड चलाऊँ, ठीक है, नेम डॉट रिप्लेस वाला, अंकित को मैं श्रेया से बदल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखना, आप माई नेम इज श्रेया, आई एम फ्रॉम कानपुर, तो जहाँ जहाँ अंकित उसको मिलेगा वहाँ वहाँ उसको श्रेया से बदल देगा, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वैसा वाला सिस्टम, बदला ले लिया है ना, बदल दिया ना, जैसे कंपनी में भी होता है कि अंकित नाम का एक बंदा काम कर रहा था, उसको हटा दिया, उसकी जगह
रिप्लेस कर दिया एक लड़की से जिसका नाम श्रेया था। ठीक है, तो ऐसे धोखेबाजी होती रहती है लाइफ में, हमेशा आपको प्रिपेयर रहना चाहिए हर प्रकार की सिचुएशन के लिए, कोई भी कभी भी आपका काट सकता है। जैसे कि आपने धोनी सर का वो डायलॉग सुना होगा कि तुमको लगता है मेरी वाली अलग है, लेकिन जब वो काट देगी आपका तब आपको पता चलेगा नहीं, मेरी वाली भी तो वैसी थी, कुछ फ़र्क नहीं है ना। तो वो वाली बात होगी यहाँ पे कि कभी भी कुछ भी रिप्लेस हुआ जा सकता है। तो ये देखा रिप्लेस मेथड क्या करता है, रिप्लेस ही कर देता है, बदल देता है, अंकित को श्रेया से बदल दिया है ना। अब ये कुछ यहाँ पे दिमाग मत लगाना, यहाँ पे मैंने ऐसे ही मुझे रैंडमली नाम याद आ गया तो मैंने लिख दिया, नहीं तो तुम कुछ दिमाग लगा रहे हो कि हाँ कुछ तो है, ये नाम तूने यही क्यों लिखा, ऐसा सोचना मत। ओके यार, मैं बता ही क्यों रहा हूँ आपको, चलो हम सीधे काम की बात करते हैं। ठीक, तो ये रिप्लेस मेथड हो गया। इसके बाद एक होता है स्ट्रिप वाला मेथड, पता ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बात की थी, ठीक है, लेकिन वो वीडियो ख़राब हो गया ना, मुझे बड़ा अजीब लगा। अब मैं उतनी मेरे अंदर मतलब एनर्जी नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं पता पैशन से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ये मत सोचना कि वीडियो में मैं सीरियस नहीं हूँ, ऑफकोर्स आई एम सीरियस। अब देखा स्ट्रिप मेथड को बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर दोनों तरफ स्पेस दे देता हूँ मैं, और फिर अगर मैं इसको प्रिंट करूँ नेम को, अभी थोड़ी देर के लिए नेम को प्रिंट करते हैं, ठीक है, और फिर रन करते हैं पाइथन। वन सेकेंड, फिर मैंने गलत लिखा कहीं पे, पाइथन, देखा इसने दोनों तरफ स्पेस प्रिंट की है, ये भी स्पेस और इधर भी है। लेकिन जो स्ट्रिप मेथड होता है वो पता क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे एक्स डालूँ, क्योंकि स्ट्रिप होने के बाद किस में जा रहा है, एक्स में जा रहा है ना, तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखना इसका कमाल, उसने सारी स्पेस हटा दी है। तो ये काम करता है स्ट्रिप। इसमें दो प्रकार के मतलब वो होते हैं, एक होता है आर स्ट्रिप, ये क्या करेगा राइट साइड की हटाएगा, ठीक है, सिर्फ राइट साइड की। अब अगर इसको मैं दोबारा से रन करूँ तो देखा इसने सिर्फ राइट साइड की हटा दी, लेफ्ट की छोड़ दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एल कर दूँ, ठीक है, एल स्ट्रिप, और फिर से अगर इसको रन करूँ पाइथन, तो इसने देखा अब की बार लेफ्ट की हटा दी है, राइट की छोड़ दी है। तो ये करता है ये स्ट्रिप मेथड कि इस जो स्पेस होता है उसको हटा देता है। ओके, तो हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात की, और बहुत कुछ है इसमें पढ़ाने के लिए, और लेकिन जैसा कि मैंने बताया यार कि मैं वीडियो रिकॉर्ड किया पूरा एक, पता कितने घंटे का किया था, डेढ़ घंटे का वीडियो था। डेढ़ घंटे अगर मैंने बात की होगी तो बहुत डीपली जाके बात की होगी हर एक मेथड पे, और बहुत कुछ सीरियस होके, बट क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पर लाऊंगा नहीं, इस पर एक वीडियो आएगा अच्छे से स्ट्रिंग पे, डीपली बात करूंगा फिर से, लेकिन मुझे उतना मोटिवेशन चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को यार दबा के शेयर करो, लाइक करो, ताकि मुझे उतना मोटिवेशन रहे कि अगर मैं ऐसे थक भी जाऊँ ना एक घंटे डेढ़ घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके, और मेरा वीडियो ऐसे गड़बड़ भी हो जाए, फिर भी मैं दोबारा उतने जोश से उसको रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो उस तरीके का मोटिवेशन मुझे चाहिए आप लोगों से, ताकि यार एक बज रहा है पता है, रात का एक बजा हुआ है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट मेथड यहाँ पे, ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी हैं। इवन मुझे पता इंडेक्सिंग भी बतानी थी यहाँ पे, बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं काउंट यूज करूँगा ना, तो वहाँ पे इंडेक्सिंग यूज होगी। एक मेथड होता है काउंट स्ट्रिंग में, तो एक्स बराबर हम लिखते हैं नेम डॉट काउंट, ठीक, और इसमें डालते हैं एक नंबर, एक मतलब काउंट बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपका स्ट्रिंग है उससे अगर आपको ये पता करना है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ कितनी बार आई है, चाहे फिर वो कैरेक्टर हो, चाहे फिर वो पूरा शब्द ही क्यों ना हो, तो वो आप पता कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अंकित इज गुड बॉय, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अंकित
का काउंट चेक करता हूँ कि अंकित कितनी बार आया है। ठीक है, तो हम पाइथन रन करते हैं, लेट्स चेक। दो बार है ना, देखा इसने दो बार बता दिया, क्योंकि एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो जगह आया हुआ है ना, तो इसलिए इसने दो काउंट बताया। अब यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग की पता बात क्यों कर रहा था, क्योंकि इसमें ना दो पोजीशन और होती हैं, एक स्टार्ट स्टार्ट और एक एंड। ये पता क्या लेता है, ये जो पैरामीटर हैं ये आर्गुमेंट लेते हैं इंडेक्स का, ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे अभी बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर रहा है लास्ट तक, लेकिन अब यहाँ पे इंडेक्सिंग दे के डिसाइड भी करवा सकते हैं कि तुम यहाँ से चेक करो इस इंडेक्स से, लेकिन इसका इंडेक्स नहीं पता है। तो इंडेक्स निकालने के लिए एक मेथड होता है, इसी में इंडेक्स भी आप पता कर सकते हो। एक्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स बराबर नेम डॉट फाइंड, तो ये आपको उसका इंडेक्स भी बता के दे देगा जिस पर्टिकुलर का आप जानना चाहो। मुझे पता है इसका जानना है एज का, तो मैं एज को इसके अंदर डाल दूँगा, तो ये एज का मुझे वो बता देगा इंडेक्स। देखना, अगर मैं अब पाइथन को रन करूं, 8, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम इस वाले में अब यहाँ पे डिसाइड भी कर सकते हैं कि 8 से स्टार्ट करो और लास्ट तक जाओ। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए मैं काउंट वाले को बाद में बताऊँगा, ये बस इसके लिए यूज किया था थोड़ा। तो अब अगर हम, सॉरी इसको मुझे कमेंट करना है फाइंड वाले को, अब अगर आप देखोगे तब भी दो ही बताएगा, पता है क्यों? दो इसलिए बता रहा क्योंकि अभी यहाँ से काउंट हो रहा है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ कानपुर से स्टार्ट करो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे ये लिखा था फाइंड वाला मेथड, ठीक है, इससे हम कानपुर की इंडेक्सिंग ढूंढ लेते हैं कि कानपुर किस इंडेक्स पे है। रन किया पाइथन, अबे यार फिर मैंने गलत लिखा, पाइथन 27 पे, तो हम यहाँ पे 27 डाल देते हैं, ठीक है, और अब थोड़ी देर के लिए ये फाइंड वाला बंद कर देते हैं, मतलब कमेंट कर देते हैं, फिर चलाते हैं, फिर देखते हैं। पाइथन लेक्चर 2 है, दो बताया, दो पता क्यों बताया, बताऊँ क्यों बताया दो, क्योंकि हम ये जो रिप्लेस का है इंडेक्स गलत जगह लगा दिए, इसमें नहीं लगाना था, इसमें लगाना था काउंट, समझे? तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, कभी कभी पता है हम कोड लिखते हैं और फिर कर्सर कहीं होता है और लिखना कहीं चालू कर देते हैं। देखा, एक बताया, पता एक क्यों बताया, क्योंकि अब वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कानपुर से, हमने यही तो बताया था ना अभी, कानपुर का इंडेक्स निकाल के यहाँ से, मैंने बोला यहाँ से कानपुर से इतने के बीच में ढूंढो, तो इतने के बीच में तो एक ही बार अंकित आ रहा है ना, इसलिए एक बार उसने बताया। तो ये जो स्टार्ट और एंड जो होता है ना, इससे आप डिफाइन कर सकते हो कि कितने और कितने के बीच के इंडेक्स के बीच में आप ढूंढना चाह रहे हो, जो भी चीज़ ढूंढ रहे हो मतलब। अब जैसे ले सपोज मैं अंकित बड़े से शब्द को ना ढूंढ के सिर्फ एक अक्षर ढूंढता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एन ढूंढता हूँ और देखता हूँ कि इतने पूरे स्ट्रिंग में एन कितनी बार आया हुआ है, 4 बार, इवन आप काउंट करके भी देख सकते हो अगर चाहो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी थी, ठीक है, काउंट है। और फाइंड के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि फाइंड जो है इंडेक्स बताता है। जैसे अगर मैं फाइंड को फिर से ऑन करूं, कानपुर का इंडेक्स हमने ढूंढा था ना, तो ये कानपुर का इंडेक्स आपको बता रहा है, तो आपको लग रहा होगा ये कानपुर का बता रहा है, लेकिन ये कानपुर पूरे का नहीं बता रहा, ये सिर्फ कानपुर के पहले अक्षर का बता रहा है, के का इंडेक्स। इसका भरोसा नहीं है आपको? नहीं है ना, ठीक है, प्रूफ करके दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, इंडेक्स पता करने का वो होता है ना, तो हम उसमें वो डालते हैं कि कितने पे, तो हम क्या करते हैं,
थोड़ी देर के लिए नेम में, क्योंकि नेम है ना स्ट्रिंग का नाम मेन वाली का नेम, और पता किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो इंडेक्स डाल के उसका कैरेक्टर निकाल सकते हैं इस तरीके से। पहले उसका वेरिएबल लिखो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और उसके अंदर उसकी इंडेक्स रख दो, ठीक है। तो इंडेक्स कितनी, 27 निकली थी, तो अगर मैं यहाँ पे 27 डालता हूँ, ठीक है, उसको प्रिंट करता हूँ, तो देखना आपको पता चल जाएगा कि वो के को ही देगा, ना कि पूरे नाम को। देखा है, के को सिर्फ दिया, मतलब ये जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें 27 नंबर पे ये है, और इंडेक्सिंग आपको पता है जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे करके, स्पेस भी इंडेक्स में काउंट होता है, ऐसे चलता है। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का अलग से वीडियो लाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे डीपली, सो डोंट वरी। तो अभी हमने ये बहुत सारे मेथड देखे, और अभी यार इतना ही मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने शॉर्ट में बता दी हैं, तब भी आधा आधा घंटे में मतलब काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, जबकि ये एक डिटेल्ड वीडियो था। बट मैं यार क्या ही करूँ, इतना कुछ करने के बाद भी वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ अच्छे से। सो थैंक यू यार, थोड़ा यार मोटिवेट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फीडबैक दो। मैं इस पर करता हूँ मेहनत और बनाता हूँ ढंग का वीडियो, मतलब काफ़ी सीरियस होकर रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन ये हो गया तो हो गया, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इवन पता वो वीडियो मेरे पास पड़ा भी है, लेकिन वो कोई काम का नहीं। अगर मैं अपलोड भी कर दूँ तो सिर्फ आपको आवाज़ सुनाई देगी अच्छी, ठीक है, लेकिन जो उसका वीडियो है वो रुक रुक के चलता है, मतलब आवाज़ पहले निकल जा रही है, वीडियो वहीं पे रुका हुआ है, तो ऐसा सारा कुछ हो रखा है। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो यार, और मैं कोशिश करूँगा आगे से और अच्छे से रिकॉर्ड करूँ चीज़ें, पहले से ही चेक कर लिया करूँगा, ताकि इस तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ पूरी मेहनत से और फुल एक्साइटमेंट में मैं बोलता जा रहा हूँ, लास्ट में जब स्टॉप करके पूरा रिकॉर्डिंग देखी तो देखा कि वीडियो पूरा ख़राब हो गया है ना, तो ऐसा कुछ ना हो। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो यार, आई मीन मैं इसलिए पता नहीं क्यों बोलता हूँ ऐसा, बट धीरे धीरे समझ जाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।